महिला सुपरस्टार श्रीदेवी की अस्थियां रामेश्वरम में विसर्जित करने के लिए शुक्रवार 2 मार्च को चेन्नई लाई गई। अस्थियां शनिवार को रामेश्वरम में समुद्र में विसर्जित की जाएंगी। श्रीदेवी की अस्थियां कोई और नहीं बल्कि पति बोनी कपूर लेकर आए। पति बोनी कपूर अस्थियां लेकर रामेश्वरम पहुंच चुके हैं, जबकि बोनी के बेटे अर्जुन उनके साथ यहां मौजूद नहीं दिखे। हालांकि श्रीदेवी के निधन के बाद से अर्जुन कपूर अपने पिता बोनी कपूर के साथ हर कदम पर साथ नजर आए। आपको बता दें कि अर्जुन बोनी की पहली पत्नी के बेटे हैं और श्रीदेवी उनकी सौतेली माँ थी। अर्जुन और श्रीदेवी के बीच रिश्ते कभी भी नॉर्मल नहीं रहे, लेकिन उनकी मौत के बाद अर्जुन ने एक बेटे का सारा फर्ज निभाया। और वेब डेस्क न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .nimsunai पर हमें लाइक कर सकते हैं।